तो गाइस यार ये है लेडी वेनम और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपने साथ इसको डेट पे ले जाना चाहता हूँ। पर गाइस इसे सिर्फ पसंद आते हैं ठाडे गबरू जवान जिनकी बॉडी शोडी बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ डेट पर जाती है। पर गाइस यार मैं भी इसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, ऊपर से मैं तो एक वेनम भी हूं यार, पर मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। मेरे को बिल्कुल नहीं पता ये मेरे साथ डेट पे चलेगी नहीं चलेगी, इसलिए मैं सब पूछने आया हूँ। क्या पता मेरे को कोई चांस मिल जाए और मैं इसके साथ डेट पे जा सकूं। हे लेडी वेनम, तुम प्लीज मेरे साथ डेट पे चलोगी? तुम कितनी खूबसूरत हो। अरे क्या तुम मेरे साथ डेट पे जाना चाहते हो? हाँ मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत हूँ, और तुम खुद को तो देखो कितने ज्यादा पतले दुबले हो। मैं सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ डेट पे जाती हूँ जिनकी मसल्स बहुत ज्यादा, और खुद को तुम देखो एक बार। अरे लेडी वेनम तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ डेट पे चलो, इसको तुम छोड़ो। अरे तुम तो इससे भी ज्यादा पतले हो, मैं तुम दोनों में से किसी के साथ भी डेट पे नहीं चलोगी। अगर तुम अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी में अपग्रेड कर लेते हो, तुम्हारी भी बड़ी बड़ी मसल्स आ जाती है, तो फिर मैं तुम लोगों के साथ डेट पे चलने का सोच सकती हूँ। जब तक भूल जाओ कि मैं तुम में से किसी के साथ डेट पे भी चलने वाली हूँ। हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं भी आता हूँ 20 मिनट्स के अंदर अपने आप को एक पावरफुल हल्क के अंदर अपग्रेड करके, फिर हम डेट पे चलेंगे। मैं तुझे लेके चलूंगा डेट पर। ओके लेडी वेनम तुम मुझे भी सिर्फ 20 मिनट्स दो, 20 मिनट के अंदर मैं भी एक पावरफुल वेनम के अंदर अपग्रेड हो जाऊंगा। जो भी तुम्हें अच्छा लगे, तुम में से जो ज्यादा पावरफुल होगा मैं उसके साथ चलूंगी। ओके तो गाइस यार यहाँ पर मेरे साथ नहीं गई फिलहाल, मेरे को अपने आप को एक अल्टीमेट खतरनाक वाले जायंट वेनम के अंदर अपग्रेड करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि यार हम अपने आप को एक जायंट वेनम के अंदर अपग्रेड कर सकते, पर मेरे को ये नहीं पता कि कैसे मैं अपने आप को अपग्रेड करने वाला हूं। मेरे को कोई आइडिया नहीं है यार, क्या करूं मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओए एक सेकंड, ये कौन है? ओए ये तो असल में बिग वेनम बूटी है भाई, ये देखो भाई कितना ज्यादा स्ट्रांग है ये। हां लड़का मैंने सब सुन लिया, आखिर में उस लड़के ने तुझे रिजेक्ट कर दिया। अरे क्या करूं बिग वेनम बूटी, वो असल में ताकतवर लोगों के साथ ही चलती है डेट पे। ओए तो कोई बात नहीं, मैं तेरे को एक ताकतवर वेनम के अंदर अपग्रेड करने वाला हूं। ये कैसे होगा? मेरे को एक ताकतवर वेनम के अंदर हम लोग कैसे अपग्रेड करेंगे? तेरे को सिंपली मैजिकल प्लांट को खाना है। क्या ये? हाँ ये कैसा प्लांट है भाई? नीचे इसके फूल है, ऊपर ये क्या है, आग सी कुछ लपटे सी। हाँ ये मैजिकल है इसलिए बिल्कुल खतरनाक, बस इसको खाओ और तुम अपग्रेड हो जाओगे। ओके तो चलो गाइस यार ट्राई करता हूँ। और ये वो गाइस यार ये देखो मैं तो सचमुच में अपग्रेड हो गया, और ये देखो भाई मेरी मसल्स कितनी ज्यादा कमाल की लग रही है भाई, सिक्स पैक्स एब्स आ चुके मेरे तो। ओए चलो एक काम करो, चलो मेरे साथ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ताकतवर वेनम के अंदर अपग्रेड करूंगा, आ जाओ। थैंक यू। ये देखो लेडी वेनम, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को अपग्रेड करके आ गया, अब चलो मेरे साथ डेट पे। छी अभी जाऊंगी क्या मैं तुम्हारे साथ डेट पे? क्यों क्या हो गया? तुम्हारे मुंह पे तो स्किन भी नहीं है। अरे मतलब जाके अपने आप को और भी ज्यादा अपग्रेड करो, वो हल्का बच्चा भी आया था थोड़ी देर पहले, बोला डेट पे चलो, अभी कोई तैयार थोड़ी हो तुम। ओके ठीक है मुझे लगा चल देगी मेरे साथ डेट पे, ये कोई बात नहीं वापस आऊंगा, टेंशन मत लो तुम, लेट्स गो। ओके तो बिग वेनम बूटी मेरे को अगला वो फ्लावर सा कहां मिलेगा, वो प्लांट जो भी कुछ है मेरे को चाहिए और अपग्रेड होने के लिए। टेंशन मत लो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जो अगला तुम्हें फ्लावर मिलेगा वहाँ पर उस पीछे देखो, वो एक दुकान है जहाँ पर बहुत सारे फ्लावर है, उसके पास वो वाला फ्लावर है जिसे खा के तुम अपग्रेड हो सकते हो, पर तुम्हें उससे मांगना पड़ेगा। ओके शुक्रिया तुम्हारा, चलो गाइस यार चलते हैं और इस लेडी से मांगते हैं जाके भाई फ्लावर अच्छा सा जो मतलब मेरे को चाहिए। ओके तो गाइस यार यहाँ पर तो बहुत सारे फ्लावर है सेमी, ओहो देख रहे हो। अरे सर वेलकम, आपका स्वागत है मेरे फ्लावर की दुकान पे, बताइए आपको कौन से फ्लावर चाहिए? मेरे पास यहाँ पर देखो ये वाले फ्लावर है जो मैंने अभी उगा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है तो आपको ये चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं। नहीं मैडम जी आपके पास कोई ऐसे बड़ा फ्लावर नहीं है। अच्छा आपको छोटे फ्लावर पसंद नहीं है, तो देखिए मेरे पास ये बड़ा वाला फ्लावर है जो इस कांच के ग्लास में है, और ये वाला भी अच्छा है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को दे सकते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग अपने घर पर लेके जा रहे हैं, इसको आप अपने घर के अंदर रख सकते हैं, देखो इसमें तो स्ट्रॉबेरी भी लगी हुई है। नहीं नहीं मैडम जी और थोड़ा बड़ा, और बड़ा सर मेरे पास तो देखिए ये वाला भी है, लीली का फ्लावर है, ये वाला भी है, आपको बताइए किस टाइप का चाहिए? मतलब हाँ आपके पास है कोई बड़ा फ्लावर बताया जो आप सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स को देती, बताइए। मुझे लगता है आप उस फ्लावर की बात कर रहे हैं। कौन सा? वो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही पीस है, इसलिए मैंने उसको थोड़ा दूर रख रखा है मेरे बाकी फ्लावर से। आप मेरे पीछे आइए मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हाँ आ रहा हूँ। हाँ चलिए आपको दिखाता हूँ, अंदर रख रखा मैंने। कहाँ पर है? अंदर आइए देखिए मैं यहाँ पर छुपा के रख रखा है, ये फ्लावर की बात कर रहे हैं, शायद आप देख लीजिए एक बार। हाँ यही फ्लावर चाहिए मेरे को, यही वाला चाहिए, इसकी तो तलाश है मुझे। हाँ तो यही फ्लावर चाहिए मेरे को। अरे एक्चुअली सॉरी सर ये फ्लावर मैं आपको दे नहीं सकती। क्यों? बेचने के लिए नहीं है? नहीं बेचने के लिए है ऐसी बात नहीं, पर ये पहले किसी ने खरीद लिया है और मैं दे नहीं सकती आपको।
कितने में खरीदा उसने? उसने ये $1 मिलियन में खरीदा है। क्या $1 मिलियन? ओ भाई साहब, मेरे पास तो $1 मिलियन कहीं से भी नहीं है इस चीज के देने के लिए। बताइए सर, अब क्या चाहे, कौन सा और कोई सा फ्लावर पसंद आया तो आपको? ये कहाँ पर मिलते हैं ये वाले फ्लावर? अरे सर, यही तो प्रॉब्लम है, ये वाले फ्लावर इतने ज्यादा ले रहे, कहीं भी नहीं मिलते, कभी भी कहीं भी नहीं मिलते। हाँ तो सर बताइए, चाहिए आपको या नहीं चाहिए? आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं फिलहाल। गाइस यार, दिमाग लगाना पड़ेगा, कुछ पैसे तो मेरे पास है नहीं यार इतने जो मैं इस फ्लावर को खरीद लूं, कुछ और दिमाग लगाता हूँ। अरे एक सेकंड, मेरे को ये देखना कहीं पर ये नकली कॉपी तो नहीं है। अरे नहीं सर, ओरिजिनल है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको। अरे सर आप अच्छे से देख लीजिए। मेरे को तो ये नकली लग रहा है, इसे थोड़ी तो गड़बड़ लग रही है। अरे दुकान पे है क्या कोई? मेरे को फ्लावर खरीदने हैं मेरी मिसेज के लिए। अरे है का कोई दुकान पे? अरे सर आपको लेना है नहीं लेना ये बताइए, मेरे कस्टमर आ रहे हैं। एक काम करिए मैडम जी, आप अपने कस्टमर देखिए, मैं इतना चेक कर लूंगा। ओके सर ठीक है, चलो मैं कस्टमर देख लेती हूँ जल्दी से, जाके कोई बंदा आया फ्लावर खरीदने के लिए। हाँ सर बताइए, आपको कौन सा फ्लावर चाहिए? अरे मेरे को मेरी मिसेज के लिए फ्लावर चाहिए। एक सेकंड सर, आपकी मिसेज के लिए ये वाला फ्लावर सही रहेगा। ओके तो गाइस यार, इस मोहतरमा ने बहुत बड़ी वाली गलती कर दी है, मेरे को जो इस फ्लावर के साथ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे तो इसको खाना है। चलो भाई यही मौका है। यो हो गाइस, चेक आउट, देखो तो भाई मैं ये कौन से वेनम में अपग्रेड हो गया, मैंने आज से पहले ऐसा वेनम कभी नहीं देखा यार, कितना ज्यादा कमाल का लग रहा है। ज़ाइमी बिग वेनम बूटी, अरे मेरी और मदद करो ना, मेरे को वो और फ्लावर कहाँ पर मिलेगा बताओ ना, तुमने मेरे को यहाँ पर तो बुला लिया। अरे मेरे को ये पता है कि अगला फ्लावर कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर, जल्दी बताओ। अरे पता है पर एग्जैक्ट नहीं पता, मतलब समझ नहीं आया। अरे असल में और जो फ्लावर्स मिलेंगे इस फॉरेस्ट के अंदर मिलेंगे, और ये फॉरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है, मेरे को नहीं पता कहाँ पर मिलना है। इतना बड़ा फॉरेस्ट शाम तक ढूंढते रह जाऊंगा, मेरे पास तो इतना टाइम भी नहीं है, इससे पहले क्या होता हल्का बच्चा ले जाए मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ मैंने ये नहीं बोला कि उसको ढूंढना इम्पॉसिबल है, पर इम्पॉसिबल इतने बड़े जंगल में ढूंढना, तो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। क्या करना होगा बताओ बताओ, मेरी तारीफ करो, अपने दोस्तों से करवाओ मेरी तारीफ। ओके तो गाइस यार, आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बिग वेनम बूटी की तारीफ करनी पड़ेगी, लिख दो यार हैंडसम कमेंट बॉक्स के अंदर, जिससे यार ये मेरी मदद करे। हाँ कुछ तो लूंगा ना यार मैं, जल्दी जल्दी यार कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो हैंडसम, जिससे मेरी मदद करे यार। हाँ चलो, सभी लोगों ने लिख दिया होगा तो अच्छी बात है, जहाँ पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा जानवर इकट्ठा मिलेंगे समझ लेना, वहीं पर ही तुम्हें वो फ्लावर मिलेगा, क्योंकि वो फ्लावर जानवरों को इकट्ठा करवाता है, जानवरों को अपनी तरफ एकत्रित करता है, आया तुम्हें समझ? ओके ओके शुक्रिया। चलो गाइस यार, मेरे को जानवर ढूंढने हैं, जहाँ पर भी ज्यादा जानवर इकट्ठे हो रहे होंगे ना, तो समझ लेना वहीं पर ही वो फ्लावर मिलेगा। पर यार मेरे को जानवर कहाँ से मिलेगा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, आसपास में यहाँ पर कोई भी जानवर नहीं दिखाई दे रहा। वो एक सेकंड, शेर की दहाड़ने की आवाज है, और ये शायद आ रही है भाई, एक नहीं बहुत सारे शेर दहाड़ रहे हैं मेरे हिसाब से। चलो गाइस यार, क्या पता वहीं पर उन शेरों के बीच में कहीं पर मेरे को फ्लावर मिल जाए, चलो ऊपर चलते हैं जल्दी सी। गाइस यार मैं ऊपर तो आ चुका हूँ, पर मेरे को यहाँ पर कोई शेर ही नहीं दिखाई दे रहा है, लगता है मैं गलत आ गया। ओए एक सेकंड, दहाड़ने के बाद पीछे से आई, मतलब मैं गलती आ गया सही भी। पीछे की तरफ चलता हूँ भाई, पीछे की तरफ दहाड़ने के बाद आ रही। ओए एक सेकंड, ये देखो भाई, ये रहा वो फ्लावर जो मुझे चाहिए। और गाइस यार इसके आसपास तो बहुत ज्यादा शेर है यार, इन शेरों की मेरे को बैंड बजानी पड़ेगी अगर मेरे को फ्लावर चाहिए तो। सबसे पहले शेरों की बैंड बजाते हैं। हाय साहब, इस वेनम के पास क्या खतरनाक पावर्स है। गाइस यार देख रहे हो, ये क्या पावर्स इस वेनम के पास, मैं कैसे हवा में उड़ पा रहा हूँ, वो बाइक कमाल की पावर्स है मी। चलो गाइस यार अब इन पावर्स, इन शेरों की बैंड बजाता हूँ, सबसे पहले इसकी। ओके तो वो ये क्या था भाई, इस शेर को देखो क्या पंच मारा, वो हाय क्या कूल चीज है। चलो गाइस यार हमने एक शेर की बैंड बजाई, अब अगले शेर की बारी, देखते हैं और मेरे पास क्या पावर्स है। ओके ये वाली चीज देखते हैं क्या अपने पास। वाओ ये भी काफी कूल था, एक बार में शेर गया, अब तेरी बारी। वो ये क्या, मैंने तो फ्लावर ही दूर फेंक दिया, कोई बात नहीं अब इसकी बारी। ये देखो भाई साहब, कुत्ता बना दिया शेर का हमने तो, बहुत खतरनाक वाला यार। चलो चलो अभी और भी शेर बच रहे हैं, उनका भी कुत्ता बनाना मेरे को। अरे कहाँ गया शेर, कहाँ गए, अब फ्लावर गायब हो गया क्या? अरे शिट, लगता है मैंने फ्लावर तबाह तो नहीं कर दिया। नहीं नहीं ये रहा ना शेर, अब और कुछ ट्राई करते हैं इसके ऊपर। क्या खतरनाक पावर से, ओ शिट फ्लावर, मेरा फ्लावर कहाँ गया, इतनी तेज ब्लास्ट किया कि मैंने फ्लावर गायब हो गया। नहीं 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 यार फ्लावर कहाँ चला गया, शिट मैन ये क्या किया मैंने, फ्लावर कहाँ चला गया, ऊपर से उठ के देखता हूँ फ्लावर कहाँ गया हमारा। भाई इतनी तेज मेरे को ब्लास्ट ही नहीं करना था यार, फ्लावर ही खोट गया जहाँ से लगा हुआ था। दिख रहा है कहीं पर तुम्हें फ्लावर, एक सेकंड और ऊपर जाने दो, यहाँ पर है कहीं पर, कहाँ पर अगर कहीं पर भी तुम्हें फ्लावर नजर आए तो लिखना फ्लावर, जल्दी मिल जाए यार, कितनी दूर चला गया ऐसे उठ के, फ्लावर फ्लावर यहाँ पर है क्या,
पता नहीं कहाँ चला गया। एक तो ये पावर्स बड़ी अजीब है। ओके तो गाइस यार मैंने मेरी पावर्स हटा दिए, अब ढूंढता हूँ अच्छे से, अब मिल तो जाना ही चाहिए मेरे को। भाई नीचे तो मेरे तो कहीं पर भी फ्लावर नहीं दिखा, पूरा देख लिया। ओए ये रहा ना भाई ऊपर फ्लावर। भाई ये भी देखो कहाँ पर ऊपर जाके टक्कर आ गया। भाई देखो पेड़ों में अड़ जा हुआ है, चलो इसको खाते जाके। और ये तो गाइस यार यहाँ पर मैंने एक फ्लावर खा लिया है, पर अभी भी देखो यार मैं अपग्रेड नहीं हुआ हूँ। इसका मतलब मेरे को एक और फ्लावर खाना पड़ेगा क्योंकि जंगल काफी ज्यादा बड़ा है ना। अब देखते हैं यार यहाँ पर और कहाँ पर जानवर मिलेंगे। ओए एक सेकंड, ये तो गन शॉट की आवाज थी यार। गोलियां कौन चला रहा है यार जंगल के अंदर, ये क्या लफड़ा चल रहा है। देखता हूँ जाकर भाई इस तरफ से ऐसी गोली चलने की आवाज। चलो 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 सामने चलते हैं। अबे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ओए वहां पर से आ रही देखो। अरे गाइस यार यहाँ पर ये क्या चल रहा है, ये तो कोई गैंग के मेंबर लगते हैं। और भाई सब ये देखो जिप्सी लेके यहाँ पर खड़े, यहाँ पर कर क्या रहे हैं ये लोग। चलो गाइस यार आराम से चलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पर चल क्या रहा है। वो ये पानी के अंदर क्या चीज है भाई। अरे ये देखो बॉस मैंने बोला था ना यही पर ही है ये। देखो ये असल में गोल्डन डॉल्फिन जिनके बारे में आपको बता रहा था, ये देखिए ये असल में गोल्डन डॉल्फिन है। अरे ओए चल छपुंदर क्या कर रहा है, इसको गोली मार जल्दी सी। अरे सॉरी बॉस सॉरी, अभी मारता हूँ। इस वाली को मारना ना। हाँ इस वाली को मार। हाँ मारता हूँ, ये लो मार दी। ओ यल्ला चल इसको बाहर निकाल के लाब। अभी जाता हूँ, अभी निकाल के लाता हूँ बॉस, एक सेकंड। यल्लो बॉस जैसा आपने बोला था बाहर निकाल लिया। अरे बॉस ये तो सेमी गोल्ड की है। अरे लपुंजे, अरे मेरे को पता नहीं था तो इतना कमाल का है यार, ये तो तू कमाल की चीज लेके आया है सेमी। मतलब ये गोल्डन मछली, इसका तो ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा दाम होगा। वही तो बॉस मैं बोल रहा हूँ, इसको तो काफी अच्छे रेट में बेचेंगे। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, इन गोल्डन मछलियों को मारो और लेके चलो यहाँ से। अबे गाइस यार ये तो गोल्डन डॉल्फिन है यार, आखिर यहाँ पर कर क्या रही है, पानी के नीचे है क्या ऐसा। ओए यहाँ पर तो देखो कितनी सारी गोल्डन डॉल्फिन है, और ये तो असल में उसी जादुई पौधे के पास है यार, ये वही जादुई फ्लावर जो मुझे चाहिए। तो सबसे पहले गाइस यार इन गुंडों को यहाँ से मार पीट के भगाना पड़ेगा, बेचारे डॉल्फिन को मार देंगे वरना। चलो अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हैं। चलो भाई साहब अब इनके ऊपर यूज करता हूँ अपनी पावर। ओ येलो क्या पंच मारा खतरनाक वाला। अरे कौन है तू, मैं तुम लोगों की मौत हूँ और तुम लोग एक बैंड बजाने आया हूँ मैं यहाँ पर। येलो येलो ओ अरे मारा इसका। अब तू क्या मारेगा मेरे को। येलो बूम बेबी। ओ शिट मैं तो डॉल्फिन के ऊपर हमला कर रहा था। अरे मारा इसका। ओके मेरे को कुछ यूज तो करके देखने दो। ये ओ भाई ये क्या है पता ही नहीं। अरे क्या पागल आदमी है ये देखो। है भाई कुछ कमाल की चीज है सेमी, बहुत ही ज्यादा। देख रहे हो सबकी बैंड बचा दी हम लोगों ने, कुछ किसी चीज को भी नहीं छोड़ा। ओ ये देखो भाई, अब ये कहाँ पर उड़ रहा है। ओए रुक जा तेरी ये ले। कमाल की चीज है यार, सभी गुंडों की यहाँ पर मैंने बैंड बजा दी। अब मेरा फ्लावर ढूंढता हूँ भाई, ये तो छील दिए मैंने बिल्कुल, मतलब आग में जला दिए। अरे मेरा कहाँ गया फ्लावर, यहीं पर ही होना चाहिए मेरा फ्लावर। हेलो यहीं पर ही था यार फ्लावर। मछलियाँ तो सारी जिंदा है, एक भी नहीं मरी या मर गई। हेलो लगता है मैंने मछलियाँ गलती से मारी थी और फ्लावर आगे चला गया यार कहीं पर। आगे ढूंढना पड़ेगा, पानी के अंदर जाके देखता हूँ कहाँ पर चला गया यार फ्लावर। यार पिछली बार भी खो गया था और फिर से खो गया फ्लावर, मेरे प्यारे फ्लावर। पानी के अंदर जाके देखना पड़ेगा यार, ऊपर तो नहीं है। गाइस यार पानी के नीचे तो मेरे को कहीं तक भी दिखाई नहीं दे रहा, आखिर वो फ्लावर गया तो गया कहाँ पर। एक तो मेरी सांस और बंद हो रही। ओए ये रहा ना यार, ये लगता है पानी के भाव से यहाँ पर कोने पे आ गया होगा। चलो इसको खाते जल्दी सी। वो गाइस ये कौन सा वेनम है भाई, ये देख रहे हो इसके तो पंख भी है भाई, ये तो काफी कूल है। इसके चार चार चेहरे है भाई, कमाल है भाई ये तो। बिग वेनम बूटी प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मेरे को वो और भी पौधे चाहिए, वो कहाँ मिलेंगे। ये जो मेरे पीछे किसान देख रहा है ना, इसने बहुत बड़े वाले तरबूज बो दिए, इन तरबूजों के अंदर तुझे वो मिल सकता है जो तू ढूंढ रहा है। चल अब मैं चलता हूँ यहाँ से, बाय। अरे ये क्या हो गया मेरे खेत में, मैंने तो छोटे छोटे वाटरमेलन उगाए थे, वो तो एक भी नहीं हुआ, इतना बड़ा वाटरमेलन उग गया, इसको तो कोई नहीं खरीदेगा। मैं एक काम करता हूँ, इसके चारों तरफ आग लगा देता हूँ, इसको जला के राख कर देता हूँ, इतना बड़ा वाटरमेलन का क्या सिर में मारूंगा। अरे अंकल रुको, ऐसा मत कराओ। अरे यहाँ पर आग क्यों लगा रहे हो। अरे मेरा खेत, आग लगाऊं या कुछ भी करूं देर को क्या। अरे अंकल इस वाटरमेलन को मत जलाओ। अरे क्या चाहिए तेरे को। अंकल आपके लिए वाटरमेलन मैं तोड़ देता हूँ ना। अरे इतना बड़ा वाटरमेलन को कैसे तोड़ेगा, इतना बड़ा तो चक्कू भी नहीं है। अरे रुको रुको गाइस यार, अगर इसने वाटरमेलन जला दिया क्या पता इसके अंदर जो मेरे को फ्लावर चाहिए वो भी जल गया तो। नहीं 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 अंकल आप इसे जला नहीं सकते। अरे तो एक काम कर, इसे जल्दी से तोड़ या फेंक कुछ भी कर, इसको कैसे कुछ भी कर, अगर ये नहीं कर पाता तो मैं इसको जला दूंगा। हाँ ठीक है मैं इसको जलाने का कोई तरीका ढूंढता हूँ। ओके तो गाइस यार इसको जलाना पड़े।
तो खैर यार इसको हटाने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्या करूं मैं। अबे ये क्या फायर ब्रिगेड वाला कहां जा रहा है पता नहीं। अंकल आप हट जाइए यहां से। हट गया मैं तो, दूर कर ले, क्या करना है तुझे। ओके तो गाइस यार इसको काटना पड़ेगा, मेरे पास इतना बड़ा चक्कू नहीं है जो मैं इसको काट सकूं। ओए हाँ, मैं यहाँ पर अपनी पावर्स यूज कर सकता हूँ जिससे मैं इसे एक बार में काट दूंगा। हाँ ये एकदम सही रहेगा। तो गाइस यार यहाँ पर मैंने अपनी पावर एक्टिवेट कर ली है, अब यहाँ पर मेरे को एक खतरनाक वाला बस। तो गाइस यार ये जो मेरी पावर है ना इससे मैं पक्का इसे काट दूंगा, ठीक है। उसके लिए बस मेरे को कॉन्सेंट्रेट करना है। एक दो तीन, ये देखो भाई साहब। वो गाइस यार ये देखो मैंने तरबूज को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया, और ये देखो कितने बड़े तरबूज है भाई, ये सही में कितने डिलीशियस लग रहे हैं। अबे ये क्या, मुझे तो प्लांट चाहिए था, ये इसके अंदर से ये क्या निकला भाई। अरे अरे मैं इसको कब से ढूंढ रहा हूँ, इसी इसकी वजह से तुम्हें पानी देता था। ओए ये इसके दब नीचे दब गया था क्या, ये असल में पाइप है, खेतों में पाइप डालने की मशीन है मेरी, मेरे को लगा नई लानी पड़ेगी। ओ असल में ये वाटरमेलन के अंदर फंस गई होगी। शुक्रिया यार तूने वाटरमेलन काट दिया, मेरे को नई नई लानी पड़ेगी। पर मैं दूसरा वाटरमेलन जलाता हूँ जाके, इतने इसको तो छोड़ते हैं। ये वाला वाटरमेलन भी बहुत बड़ा है, इसको भी जला ही देता हूँ मैं, क्या करूंगा इसको। ये जल जा, ये जल जा। अरे अंकल एक और वाटरमेलन है क्या पर, अंकल इसे मत जलाओ। अरे क्यों ना जलाऊं, एक तूने बोला नहीं जलाया, अब दूसरे को क्यों ना जलाऊं। अरे यार क्या पता इस वाले के अंदर वो फ्लावर। अंकल इसे मत जलाओ, टेंशन मत लो, मैं इस वाले को भी काट दूंगा। अरे नहीं नहीं मेरे को नहीं कटवाना ये वाला, वो वाला काट दिया बहुत है, उसको पूरे गांव में दे दूंगा। अरे अंकल एक काम करना, उस वाले को पूरा गांव में दे देना, इस वाले को अपने घर के पूरी फैमिली मेंबर्स में दे देना, खानदान में बांट देना, और खानदान वाले फिर आपकी तारीफ करेंगे कि खाने के लिए वाटरमेलन दिया इतना मस्त वाला। चल तू ठीक कह रहा है, पर हाँ ठीक है इसको भी नहीं जलाता हूँ। हाँ बड़े भाई को दे दूंगा, बड़ा भाई वैसे बोलता है कि खेती में से कुछ भी आता हूँ तो उसको देता नहीं हूँ मैं, काटते ठीक है भाई इसको काट ले, मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, इसको काटते इसमें से जो निकलेगा वो मैं मेरे बड़े भाई को दे दूंगा। चलो गाइस यार यहाँ पर मौका मिल गया फिर से, इसको बीच में से काटते हैं, और इस बार और तगड़े तरीके से काटूं अपनी पावर से। ओके तो गाइस यार आप लोग रेडी हो? ओके अब अपनी पावर यूज करेंगे, खतरनाक वाली कौन सी यूज करो इस बार। मेरे पास काफी खतरनाक खतरनाक पावर से ऐसे ही। चलो भाई साहब 1 2 3, वो भाई साहब। ये देखो गाइस यार मैंने यहाँ पर इस वाले तरबूज को भी दो हिस्सों में काट दिया, भाई कितने बड़े तरबूज है सही में। अबे ये क्या, इसमें तो एक लड़की निकली है भाई, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। अरे अरे धर्म पत्नी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो अपने मायके गई थी ना। अरे हम भी मायके गई थी, इस तरबूज के अंदर फंस रही थी मैं जब से। अरे फिर तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया कभी भी। फोन कहाँ से उठाती, तो फोन ही मेरे पास नहीं है। अरे तू इस तरबूजे में कैसे फंस गई, पता है तेरा, मेरे को लगा तू छोड़ के चली गई मुझे, मैं बहुत रोया तेरे लिए, मेरे को क्या पता तू तो इस तरबूज में फंसी बैठी है। मेरे को भी बहुत याद आई तुम्हारी, पर अब नहीं रहूंगी मैं तुम्हारे साथ। अरे क्यों, तुमने क्या चीज, कितने बड़े बड़े तरबूज बो रखे हैं। अरे वही तो आज जलाने जा रहा था मैं। अरे शुक्रिया भाई तूने मेरी धर्म पत्नी तो मैंने वापस मिलवा दिया, पर ठीक है मेरे को एक छोटा काम, पत्नी मैं भी आता हूँ, मेरे को एक तरबूज में आग लगानी है, वो तरबूज उस तरफ है, एक यो तरबूज हो रहा भाई इसमें तो मैं आग ही लगाऊंगा। अरे ये ले चारों तरफ आग लगा देता हूँ इस वाले में तो बढ़िया तरीके से। क्या भाई यहाँ पर एक और तरबूज है, अब रुक 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 जा भाई इसके अंदर आग मत लगा। अरे अब क्या हो गया भाई, तूने दो तरबूज खोल लिए, इस वाले में तो आग लगा दे। अरे नहीं नहीं यार क्या पता इस वाले के अंदर मिलता हो मुझे वो फ्लावर जो मैं ढूंढ रहा हूँ यार। अरे यार किसी बकवास बात कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है पता ही नहीं तू, पर यार मेरे को इसमें आग लगानी है। अबे यार इसको बेहोश करता हूँ, ये ले हम यार परेशान करे जा रहा है, खड़ा मत हो जाइए वापस। चलो गाइस मैंने इसको बेहोश कर दिया, अब जल्दी से अपनी पावर यूज करते हैं, टाइम बहुत कम है, इसको बीच में से काटता हूँ और देखते हैं यार क्या इसके अंदर भी यार वो फ्लावर मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये मेरे हिसाब से लास्ट तरबूज होने वाला है। चलो चलो ओके तो गाइस यार इसको काटते, पर इस बार मैं दूसरे एंगल से काटूंगा, इसको मैं हवा में जाके काटूंगा ठीक है, अच्छे एंगल से। हाँ एकदम सही रहेगा ये वाला एंगल, ये थोड़ा सा ऊपर, ये वाला एंगल एकदम सही रहेगा। चलो बस अपनी पावर यूज करते हैं और इसको काटते हैं। ओके तो गाइस यार 1 2 3, वो भाई साहब इस बार तो एक कटेगा तगड़ा तरीके से, भाई क्या पावर से सही मेरी खतरनाक वाली, वो इसमें बहुत दम लग रहा है इसको काटने में, कट जा यार। ये ले ओके क्या लिख लिया इसमें, ओए फाइनली द
देखो मुझे मेरा फ्लावर मिल गया भाई। इस लास्ट वाले वाटरमेलन के अंदर था असल में फ्लावर। चलो सही है, मैंने सारे वाटरमेलन काट काट के देखे और भाई साहब पता नहीं इसका एक हिस्सा कहां पर उड़ गया वाटरमेलन का, क्योंकि भाई मैंने बहुत ही खतरनाक वाली पावर यूज की थी। अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इसको खाता हूं फ्लावर को। ओ गाइस ये देखो, ये मैं कौन से वेनम के अंदर अपग्रेड हो चुका हूं। सो कूल, मेरी आंखें देखो यार कैसे ग्रीन ग्रीन ग्लो कर रही है। ओ भाई साहब ये देखो भाई, मेरे तो झोटे के सींग आ गए भाई, क्या कमाल लग रहा हूं मैं। एक सेकंड, यहां पर नीचे क्या चल रहा है यार। चलो मैं भी चल के देखता हूं भाई साहब, लगता है यहां पर कोई चैलेंज वैलेंज हो रहा है। ओ ये क्या चीज है भाई, यहां पर ये सांप जैसी चीज क्या है। तुम लोगों का स्वागत है आज की खतरनाक वाली रैम चैलेंज में। मेरा नाम है नागिन और मैं आज का ये रैम चैलेंज करा रही हूँ। तुम तीनों में से जो भी कोई यहाँ पर ये रैम चैलेंज जीतेगा उसे नागिन देगी इनाम। तुम्हें यहाँ पर इन पे से किसी एक चीज को लेना है और यहाँ पर जाना है, एक से एक खतरनाक वाले चैलेंजेस कंप्लीट करके तुम्हें नागिन का फूल मिलेगा, जो नागिन का फूल चमत्कारी है। तो जाओ ले लो नागिन का फूल। वो बेटे मेरे को चाहिए ये, तो ये नागिन मेरे को मिलनी चाहिए। वो पहली बता रहा हूँ, फूल मेरे को, फूल चाहिए मेरे को, मेरी गर्लफ्रेंड को दिया ना नया फूल। ओके तो गाइस यार यहाँ पर सबसे पहले ये बुड्ढा जा रहा है साइकिल लेके। अरे मेरे को मोटरसाइकिल चलानी नहीं आती इसलिए मैं साइकिल लेके जा रहा हूँ। ओ गाइस यार मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है साइकिल से ज्यादा इजीली करता जा रहा है। वो इजी तो है, ये देख कितना इजी है सही में। गाइस यार ये तो सही में कफ मस्त तरीके से करे जा रहा है सही में। वो चल अब देख मैं भगा के दिखाता हूँ तेरे को साइकिल। वो मैंने बुढ़ापे में बहुत साइकिल चलाई है। अंकल मरोगे। वे बच गया, अभी पेंट के लिए हो जाते यार, कोई बात नहीं दिया, अभी मैं कंट्रोल करके चलाऊंगा इसको धीरे धीरे। ये देख ये कूल, एक अति कूल है, ये घर की शिकायत नहीं चाहिए। ये मेरी पड़ोसन का घर है, पड़ोसन के घर के ऊपर रेम चैलेंज हो रहा है। चल कोई बात नहीं, ये पड़ोसन देख मेरे को, वो तेरा राजा रेम चैलेंज कर रहा है। गाइस यार ये बुढ़ा मजाक में कितनी आगे आ चुका है सही में। वो बुढ़ा किसको बोला रे, बुढ़ा होगा तेरा बाप। बूढ़े को बूढ़ा ना बोलू तो क्या बोलू, वो बूढ़ा नहीं हूँ मैं, ये देख मेरी कला है। ओ, अरे ये क्या रे, मर गया रे, बचा लो, अब मेरी बारी है। ओए गाइस यार इसकी आवाज तो जानी पिछानी है। वेनम मैं ही हूँ। गाइस यार ये तो इस सुकड़ साल का यार। भाई यार ये भी कितना ज्यादा ताकतवर हो गया, अगर इसे वो फ्लावर मिल गया तो समझो तुम्हारे भाई की पत्ती कट गई। मुझे ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। गाइस यार ये तो मुझसे भी ज्यादा बड़ा है फिलहाल, अगर ये सही में जीत गया यहाँ पर तो समझो गए हम लोग तो। जीतूंगा तो मैं हिस्से में देख लेना। अबे नहीं नहीं नहीं, डेट पे तो मैं ही जाऊंगा लेडी वुमन के साथ, मैं ही जाऊंगा, एक असली हीरो ही डेट पे जाता है। अब तू सपने में है क्या, क्या किसने तेरे को हीरो बोल दिया। मैं हीरो ही हूँ, मुझे पता है, मेरी मम्मी मुझे हीरो बुलाती है। अब तेरी मम्मी तुझे हीरो बुलाती है इसका मतलब तू हीरो थोड़ी है। हाँ मैं हीरो ही हूँ। गाइस यार ये नहीं जीतना चाहिए, अगर ये यहाँ पर जीत गया तो लेडी वुमन के साथ मैं नहीं जा पाऊंगा और तुम लोग नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कितने सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए। वहां पर मैंने तरबूज काटा, जंगल के अंदर ढूंढा, क्या कुछ नहीं किया भाई ये सब चीज के लिए। मेरे को लेडी वुमन के साथ डेट पे जाना है किसी भी हालत में, ये यहाँ पर जीत गया तो बहुत गलत हो जाएगा। जीतूंगा तो मैं ही। अरे यहाँ से शॉर्टकट लेता हूँ ना, ये देखो शॉर्टकट। अबे भाई साहब क्या शॉर्टकट लिया इसने। है ना इजी। अब देखो मैं एक और बार शॉर्टकट लूंगा, ये देख। ये क्या शॉर्टकट में चक्कर में लग गए कोटकट। चलो अब तुम्हारी बारी है। ओके तो नहीं 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 ये वाली नहीं चाहिए, ये वाली नहीं लेके जाऊंगा बाइक में, वो दूसरी वाली लेके जाऊंगा, वो वाली काफी बढ़िया लग रही है। तो गाइस यार अब मेरी बारी है नागिन का फूल लेने की, और हम नागिन का फूल जरूर लेंगे, बस तुम लोग देखते जाना तुम्हारा भाई कितना मस्त तरीके से यहाँ पर जीतने वाला है। ये देखो वो भाई बिल्कुल परफेक्टली, बस एक बार मुझे नागिन का फूल मिल जाए और उसके बाद तुम्हारा भाई भाई साहब चलेगा लेडी वुमन को लेके डेट पर बैठते। चलो धीरे 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 परफेक्टली एकदम आराम से भाई साहब सेमी, बहुत ज्यादा हार्ड यार, अगर थोड़ी सी भी गलती मैंने करी तो सीधा नीचे जाऊंगा। और भाई साहब इतना जोखिम उठाने का भाई कैपेबिलिटी तो है ही नहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी। आराम से बिल्कुल परफेक्टली पैर रख के चलो बढ़िया। तो गाइस यार चलो आगे हम लोग बिल्कुल बढ़िया। ओ बच गया, चलो इस तरफ चलना है अब हमें, सीधा फुल स्पीड में नहीं जाना, बिल्कुल धीरे धीरे जाना है। आ गए यहाँ पर, वो बुड्ढा डिस्क्वालीफाई हुआ था, तुम्हारे भाई को नहीं होना बस यहाँ पर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखो भाई है ना कमाल तुम्हारा भाई सेमी। अब मेरे को यहाँ पर ये क्या है भाई, पत्थर है मेरे हिसाब से, पता नहीं किसने रखे होंगे यहाँ पर। अब मेरे को सामने नहीं जाना भाई, मैं चीटिंग नहीं करूंगा, चीटिंग मतलब रिक्स नहीं लूंगा भाई, मेरे पास इतना रिक्स लेने का जिगर नहीं है। मैं अपने राउंड टू राउंड चला जाऊंगा भाई धीरे धीरे धीरे, ठीक है। ओ भाई साहब बिल्कुल परफेक्टली। गाइस यार जो आप लोग ये पत्थर देख रहे हो जिसके ऊपर अभी हमारी बाइक चल रही है,
असल में एक जादुई पत्थर है जो हवा के अंदर उड़ता है ना कमाल का। ओए यहाँ पर क्या करना है? ओह मेरे को लगा कि भाई साहब यहाँ पर स्लाइड करके जाना है। सही है, आराम आराम से जाता हूँ स्लाइड करके। नहीं जाना, बच गया। ओए बस हम लोग जीतने वाले, बस यहाँ से मुझे फाइनल जंप लेनी है और ये फुल स्पीड में ये लगाई हम लोगों ने जंप। पहुंच तो जाऊंगा ना मैं। ओ गाइस ये देखो हम लोग पहुंच गए। इसका मतलब ये नागिन का फूल अब तुम्हारे भाई का है। चलो गाइस यार इसको खाते हैं, लेट्स गो। ओ गाइस यार ये देखो मैं कितने बड़े वाले वेनम के अंदर अपग्रेड हो चुका हूँ, फोर हेडेड वेनम के अंदर। हे ये देखो। ओ एक सेकंड, ये यहाँ पर क्या कर रहा है गाइस? अबे ये हल्क यहाँ पर क्या कर रहा है? ये रेड कैसे हो गया? ये तो ग्रीन था ना। तुम्हें क्या लगता है लेडी वेनम को डेट पे ले जाओगे? मेरे होते हुए बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने रेड हल्क की हेल्प मांगी जिससे मैं लेडी वेनम को लेके जा सकूं। अब लेडी वेनम को तो मैं ही लेके जाने वाला हूं, देख मैं तुझसे कितना ज्यादा बड़ा हूं। अच्छा तुम मुझसे ज्यादा बड़ा है क्या? हाँ मैं तुझसे ज्यादा बड़ा हूं। तो ये ले, मैं अब तुझसे ज्यादा बड़ा हो गया। अबे गाइस यार, अबे गाइस यार ये कैसे? मैं तो अभी इससे ज्यादा बड़ा थोड़ी, अब मुझसे भी ज्यादा बड़ा हो गया आखिर, ये कैसे किया तूने? अरे वाओ हल्क, तुम तो कितने ज्यादा जायंट और कितने ज्यादा पावरफुल हो गए हो। ओह माय गॉड, मैं तुम्हारे साथ ही डेट पे चलूंगी। नहीं नहीं लेडी वेनम, तुम इसके साथ नहीं जाओगी। मैंने इतनी मेहनत की है तो ऐसे ही नहीं जाने दूंगा तो मैं तुम्हें हाथ से। टेंशन मत ले हल्क, जैसे तूने अपनी ये पावर बढ़ाई है देख मैं मेरी पावर बढ़ाता हूँ और देख मैं तुझसे कितना ज्यादा बड़ा हो जाऊंगा। मुझे पता है तू झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता तू। मैंने क्या बोला था? मैं तुझसे बहुत ज्यादा बड़ा हूँ साइज के अंदर। अरे ये कैसे, तू इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? तू तो टिंगा सा था पर तू तो मुझसे डबल साइज हो गया बिल्कुल। ओह माय गॉड, अरे वाह वेनम, तुम तो इतने ज्यादा बड़े हो गए, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पा रही। ओह माय गॉड, तुम तो बहुत बड़े हो। और मेरे हिसाब से हल्क अब तेरा जाने का टाइम आ चुका है। अच्छा तू भगाएगा मेरे को? हाँ, और ये तेरी ऐसी, चल भाग यहाँ से। ए, ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। चल अपने पंखों का यूज करके उड़ जाए यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तो गाइस यार ये देख आप लोगों ने फाइनली अब वापस आ रहे हैं। अरे मत मारना प्लीज, उड़ना ही भूल गया मैं तो। भाई ये तो पता नहीं कहाँ चला गया। अरे तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ वेनम, आई लव यू। ओह माय गॉड, हो गया। तो गाइस यार ये देखो फाइनली हमने अपने आप को एक अल्टीमेट वेनम के अंदर अपग्रेड करके अपनी लेडी वेनम को मना लिया, अब हम इसको लेके जाएंगे डेट पे। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, आयो पापा।